आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास अपडेट। यहां हम आपको बताते चले कि बीते साल नवंबर 2020 में रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म सोरराई पोट्रू को दर्शकों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। सूर्या निधु मारन का किरदार निभाकर बड़े पर्दे पर फैंस के बीच अपना जादू बिखेरने में कामयाब रहे थे। यह फिल्म आर्मी रिटायर्ड कैप्टन गोपीनाथ के जीवन पर आधारित है। यही नहीं, यह फिल्म दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने में भी कामयाब रही थी। इस फिल्म को ऑस्कर ग्लोबल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के तहत प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया है। इसके बाद सूर्या की यह फिल्म रिलीज के बाद से ही रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब रही है। बता दें चलिए कि सूर्या स्टारर सोरराई पोट्रू IMDb पर तीसरी सबसे अधिक रेटिंग वाली फिल्म बनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही है। इसने शशांक रेमडेप्सन और द गॉडफादर के बाद 9.1 की रेटिंग के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। सोरराई पोट्रू ने बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर में ऑस्कर की दौड़ में भी प्रवेश किया था। सुधा कोंगड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। सुधा एक बेहतरीन और स्पष्ट दृष्टि वाली निर्देशक है। इस फिल्म को बनाने में उन्होंने लगभग 2 साल का समय लिया। दूसरी ओर सूर्या ने निर्देशक के विजन को अच्छा समझा और इस फिल्म में लीड एक्टर का किरदार निभाया। इतना ही नहीं, एक्टर ने निर्देशन के विजन को समझते हुए अपना 100% भी दिया है। वैसे आप लोग इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।